15 जनवरी 2023 को नेपाल का एती एयरक्राफ्ट लैंडिंग होने से ठीक 15 सेकंड पहले ऐसा क्या हुआ जो 72 पैसेंजर के साथ ब्लास्ट हो गया? ऐसा कौन सा गलती हो गया पायलट से? 15 जनवरी 2023 को एती एयरलाइन 68 पैसेंजर साथ में 4 क्रू मेंबर लेके नेपाल का कैपिटल काठमांडू से 146 किलोमीटर दूर पोखरा जाना था, जिसका पायलट कमल केसी और दूसरा लेडी को पायलट अंजू खतीवड़ा था। इती एयरलाइंस का विमान 35 मिनट का फ्लाइंग करके जब पोखरा एयरपोर्ट में पहुंचा, तो एटीसी ने 30 ने लैंडिंग करने का परमिशन दे दिया। 30 रनवे में लैंडिंग का परमिशन दे गया, मगर पायलट कमल केसी ने दूसरी डिरेक्शन में जो कि है 12 उतरने का परमिशन मांगा, तो उसको दे दिया गया। फ्लाइट एक चक्कर मार के जब 12 में उतरने वाली थे, उसका ठीक 15 सेकंड पहले 500 फीट ऊपर से सीधा नीचे आके जमीन पे जाकर ब्लास्ट हो गई। स्पॉट में 72 पैसेंजर का मौत हो गया, जिसमें 65 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर था। इती एयरलाइंस ब्लास्ट होने की फौरन बाद अंदर रहने वाला ब्लैक बॉक्स को भेज दिया गया डिकोड करने के लिए। ब्लैक बॉक्स का 2 पॉइंट होता है। नंबर 1, जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, जिसमें फ्लाइट का एल्टीट्यूड, फ्यूल, कौन सा इंजन चालू था, सब कुछ रिकॉर्ड करता है। दूसरा जो कि है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें पायलट आपस में कौन सा बातचीत किया, ऑर्डर कौन सा दिया, सब कुछ रिकॉर्ड करता है। जब ऑफिशियली जहाज रिपोर्ट आया, जो मालूम पड़ा सुन के हैरान हो जाओगे। पायलट कमल ने को पायलट अंजू को फ्लैप रिवर को 30 डिग्री नीचे की तरफ करने के लिए बोला था। वहाँ सबसे बड़ी गलती हो गया, फ्लैप लीवर को नीचे की तरफ करने की जगह कंडीशन लीवर को नीचे की तरफ कर दिया, जिससे पूरी प्लेन में फ्यूल सप्लाई बंद हो गया। एल्टीट्यूड कम होने की वजह से पायलट कुछ समझ पाता, उससे पहले एयरक्राफ्ट बैंक होकर आसमान से सीधे ज़मीन पर आके ब्लास्ट हो गई और स्पॉट पे सारे पैसेंजर का मौत हो गया। उम्मीद है कि दास टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे।